शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन समय इतना कंपेल कर रहा है, कार्ल मार्क्स इतना कंपेल कर रहा है कि इसकी बात भी करो। तो क्या हैप्पी टीचर्स डे किनको ज्यादा बनता है, गवर्नमेंट टीचर्स को या प्राइवेट टीचर को? ये नहीं कहूंगा कि इनको नहीं बनता, इनको बनता है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे कंट्रीब्यूट कौन ज्यादा कर रहा है, किसको जस्टिस ज्यादा मिल रहा है, सिंपल ये बात करना चाहता हूं। सबसे पहले ये देख लेंगे कि वर्कलोड किसका है ज्यादा। डिबेट हो सकती है, फुल डिबेट हो सकती है, पर ये पता है कि प्राइवेट में 7 से 8 पीरियड एंगेज होता है मोस्टली स्कूल्स में। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो जहां पर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, तो कभी टीचर को इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, कभी इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, कभी इस डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, ना नहीं बोल सकते। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही चल रहा है कि उसका वर्कलोड जो है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो आप कंपेयर कर सकते हो, खुद कर सकते हो, अगर इक्वल है तो मुबारक है। मैं ये नहीं कहता कि इनका ज्यादा है, पर इनके दुख मेरे पास बहुत ज्यादा आए हैं, देखता हूं, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, पे इनको टाइम ही मिल जाती है, सिंपल सी बात है। जब क्या आपको अगर ये एक छोड़ दिया जाए, अगर मैं चलो ये क्वेश्चन बाद में करता हूं, तो पे किसको टाइम पर मिल रही है, गवर्नमेंट टीचर को टाइम पर मिल रही है या प्राइवेट को मिल रही है? डिमांड किसने, भीख की तरह किस कहां मांगनी पड़ती है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? प्राइवेट में सभी में नहीं, कुछ में गुड है, ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट में अच्छे इंस्टीट्यूट भी प्राइवेट है, ये याद रखना। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऐसे है कि जी दे दो जी सैलरी, जी दे दो जी सैलरी, जी सैलरी दे दो जी, ऐसे तो लगता है किसी चौक में खड़े हैं और ये 30 जो है डेज काम करके उसके बाद चौक में खड़ा कर दिया जाता है, मांगो। अगर जब किसी से मांगा जाता है ना, तो उसको इरिटेशन होती है, बेशक वो शायद भगवान ही क्यों ना आए, दैट इज वाई बार बार उसे मांगना नहीं चाहिए, उसने दे देना है खुद जो देना है, आप अपना कर्म करो। तो कर्म कौन ज्यादा कर रहा है ये देखना है। अच्छा, क्वालिटी किसमें ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा जो आंसर है यहीं से मिल जाएगा कि टीचर्स डे हैप्पी किसको बोलना चाहिए, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्वालिटी, अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट टीचर है, यहां ये मैंने बना दिए, ये टीचर कौन है, गवर्नमेंट टीचर, ओके, इनका छोटा बच्चा है, ये वाला छोटा बच्चा है, और ये है प्राइवेट टीचर, इनको थोड़ा लाल खतरे में वाले बना दो कि बेचारे खतरे में ही रहते हैं, कभी भी निकाला जा सकता है यार। तो अब ये देखिए कि ये जो पर्सन है, इनको दो ऑप्शन है कि भैया जॉब कहां करना चाहते हो और अपने बच्चे की एजुकेशन कहां चाहते हो, दो ऑप्शन है इनके पास। तो ये क्या ऑप्ट करेंगे, ये हमेशा ही ये ऑप्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट वाली जॉब करना चाहूंगा, ठीक है, टीचिंग की जॉब कर, पर हाँ इवन गवर्नमेंट टीचर बन गए। तो जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपने एजुकेशन के लिए कौन चूज कर रहे हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सिंपली है स्कूल लेवल पर इनका आंसर होगा कि मैं प्राइवेट स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल को टीच चूज करूंगा। जब प्राइवेट स्कूल को चूज किया जाएगा, उसको टीच कौन करेगा, प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला टीचर करेगा ना, जिसको कितनी सैलरी मिलती है पता आपको, कब सैलरी मिलती है, कितनी मांगने के बाद मिलती है, कितनी इंक्रीमेंट मिलती है, वो किसको पढ़ा रहा है, जो गवर्नमेंट में गुड सैलरी ले रहा है उसके बच्चे को टीच कर रहा है। तो किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुई, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुई, कभी भी पूछ लेना किसी भी गवर्नमेंट टीचर से, सभी से ये पूछता हूं कि आप कितनी टेंडेंसी रखते हो कि यस मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही अपना बच्चा डालना है। देखिए, जब यही हायर एजुकेशन आ जाता है, ये हायर एजुकेशन आ गई ना, हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी आ गई, तो ये सवाल दोबारा पूछा जाए इस गवर्नमेंट टीचर को कि क्या जॉब, जो ये पूछ चुके हैं, क्या आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन प्राइवेट में देना चाहोगे या गवर्नमेंट में देना चाहोगे, ना प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो नेचुरली डेफिनेटली आंसर होगा हायर एजुकेशन के मैं गवर्नमेंट में देना चाहूंगा। कारण क्या है, देखिए स्कूलिंग सबकी प्राइवेट की होगी, जो उन गवर्नमेंट टीचर के बच्चों की है ना, और जब हायर एजुकेशन है, मेडिकल प्रोफेशन चूज करना है, वहां प्राइवेट में एक एक दो दो करोड़ तक खर्चा आ जाता है। प्राइवेट में एम्स में जाइए आप हैरान हो जाओगे, 15,000 शायद, मेरे ख्याल में नहीं 50,000 भी मेडिकल प्रोफेशन में कोर्स करने के इतनी फीस लग जाती है। तो बाकी आप एरिया भी देख सकते हो। तो हम चूज अपने अनुसार करते हैं कहां हम बेनिफिट में हैं।
तो यहां पर ये देखिए कि गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कितनी है इंडिया में, नहीं है, अब नहीं बन रही। इट मीन्स गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना है हायर एजुकेशन में, देना है बंद कर दिया है हायर एजुकेशन का, तो टोटली सब कुछ बैन ही दम ही घुस चुका है। तो अब ये टीचर डे इनको कहना चाहिए जो गवर्नमेंट में है, बच्चा प्राइवेट में डाल रहे हैं, या इनको बोलना चाहिए जो प्राइवेट में है कम सैलरी लेके ज्यादा वर्कलोड दी। लेकिन गवर्नमेंट टीचर के बच्चे को भी गवर्नमेंट टीचर बनने के काबिल बना रहा है, तो किसके लिए हैप्पी? तो क्वालिटी मेन है। क्यों इतना सब कुछ होने के बाद क्वालिटी फिर प्राइवेट की तरफ क्यों जाते हैं? क्वालिटी की तरफ जाते हैं। हायर एजुकेशन में यहां क्यों जाते हो? क्योंकि यहां पर सस्ती है ना, क्वालिटी अच्छी है, सस्ती है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत कम है। तो ये सारा इनजस्टिस है। ये इनजस्टिस में पिस कौन रहा है? प्राइवेट टीचर पिस रहा है। और क्या नेक्स्ट कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट कौन कर सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? कभी देखा है कि प्राइवेट स्कूल वाले किसी टैंकी पर चढ़ गए हैं और अपने हक मांग रहे हैं, किसी कॉलेज के स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं जहां पर पॉलिटिकल लीडर रह रहा है और वहां जाकर लाठियां खा रहे हैं? नहीं होता, पूछिए, मांग ही नहीं सकते। मांगा तो मर गया, अगर प्रोटेस्ट किया तो आप जा सकते हो, तो आप किसी कोई और स्कूल देख लीजिए। तो मतलब कई बार तो इतना ऐसे निकाला जाता है, हरासमेंट डिफरेंट है, ह्यूमिलेशन डिफरेंट है, तो सुसाइड तो हो जाती है, वो टीचर कर ही लेता है तब, है ना। तो प्रोटेस्ट कभी नहीं कर सकते। प्राइवेट वालों ने कितनी प्रोटेस्ट की है? नहीं की, कभी भी कर ही नहीं सकते। ये हक ही नहीं है, गवर्नमेंट वालों को हक है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड है। अच्छा, स्ट्रेस किसका ज्यादा होता है? कभी भी निकाला जा सकता है ना, जो मर्जी कर लो। आप इतने रिजिड ला हैं कि गवर्नमेंट टीचर को निकाला नहीं जा सकता, तो स्ट्रेस लेवल किसका ज्यादा होगा? एसएससी स्कॉलरशिप का मामला जो है, कौन सफर हुआ, गवर्नमेंट स्कूल टीचर या स्टूडेंट सफर हुए या प्राइवेट स्टूडेंट? प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर सबसे ज्यादा सफर हुए, क्योंकि गवर्नमेंट जितना पैसा हड़प कर गई ऐसी बच्चों का, और वो नहीं मिला, किनको हक किनका मर गया? टीचर्स का। हैप्पी टीचर्स मनाइए, खूब मनाइए, इनके लिए कुछ मत कीजिए। कि हॉलीडेज वोकेशन कौन जहां एंजॉय करते हैं, आपको पता है दिसंबर में है हमारे, है ना, जून में है हमारे, जो रूल होगा वो गवर्नमेंट टीचर को मिलेगा कि आप जा सकते हो। प्राइवेट वाले ने अगर दिवाली से एक दिन पहले भी छुट्टी करनी है तो अपने दिए को बुझा कर वो करेगा शायद। तो मैनेजमेंट से ये कह सकता है, सर ये तो गजटेड हॉलीडे है। वो कहते हैं नहीं, ये गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट में नहीं होता। तो ये इंडिया है, ये डेमोक्रेसी है, ये ट्रू डेमोक्रेसी है, किताबों में हम यही पढ़ाएंगे। अच्छा, अटेंडेंस एंड नॉन अटेंडेंस, देखिए आप हर हालत में, जो नॉन अटेंडेंस का कैंसर या एड्स है, बार बार मैं यही कह रहा हूं, तो ये प्राइवेट ने सारा डेवलप किया है। देखिए आप मिलेंगे आपको सबसे पहले नॉन अटेंडिंग कौन, स्टूडेंट्स, फिर मिले नॉन अटेंडिंग टीचर्स को कर दिया आना नहीं है भाई, है ना, महीने बाद 1,000, 5,000, 10,000 शायद मिल जाएगा, जहां साल का एक बार मिल जाएगा, मतलब आना नहीं, रखने ही नहीं टीचर, नए वाले क्वालिफाइड टीचर रखने ही नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल जी नॉन अटेंडिंग हो गया। अच्छा, कौन अटेंडिंग रह गया? एक क्लर्क रह गया, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने नहीं आना, क्लास नहीं लगनी, क्लास नहीं लगाने के लिए टीचर नहीं चाहिए, टीचर नहीं है तो प्रिंसिपल का क्या काम, एक रख लो जो एक महीने बाद आए। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो चुका है। हमें हैप्पी टीचर्स डे बोल देना चाहिए, क्योंकि आदत पड़ चुकी है इनजस्टिस की, तो टीचर्स डे भी इनजस्टिस के लिए, जहां ये दिखावा करने के लिए जो है उसके लिए बोल देते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे। तो मेरे ख्याल में उस क्लर्क को बोल दें जो सारा कॉलेज चला रहा है शायद, तो उसको भी बोल देना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट में इक्वालिटी है? मेरे पास ये मैंने डिवीजन की हुई है कि सब्जेक्ट को मैं कितने भागों में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट है साइंस रिलेटेड, मैथ्स है, बीच में आ जाते कॉमर्स है ना, तो लैंग्वेज के बेस पर इतनी पार्शियलिटी है, जो रीजनल लैंग्वेज वाले टीचर है, मदर टंग वाले हैं, होम लैंग्वेज वाले टीचर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे शब्द इनके लिए यूज किए हुए हैं, है ना। चलो,
गवर्नमेंट में जब होते हैं तो इनको इक्वल सैलरी मिलती है, ऐसे ही हिंदी वाले टीचर हैं, जब यही प्राइवेट में होते हैं तो इनको मिलता है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, ये इतने तक मिल गया। और जब साइंस टीचर होता है जी 35 दे देंगे आपको जी, 31 दे देंगे जी, इंग्लिश वाला है चलो आपको 22 दे देंगे, तो ये रिस्पेक्ट हुई? कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? लैंग्वेज के बिना, वैल्यूज के बिना लिटरेचर और लैंग्वेज ने क्या करना था? मैं ये नहीं कहता कि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि इनको इनके इक्वल क्यों नहीं रखा जा रहा है। हाँ इनकी कॉम्पिटेंसीज कम है तो ये बात डिफरेंट है, अनक्वालिफाइड है ये तो बात डिफरेंट है, अनक्वालिफाइड प्राइवेट में है तो गवर्नमेंट में भी है, अनक्वालिफाइड की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कितनी डेडिकेशन से बच्चा जो टीचर है टीच कर रहा है और वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है उसके मुताबिक उसको एक एक प्लेटफॉर्म पर रखिए। क्या ये जस्टिस है? किसको बोलना चाहिए? हैप्पी टीचर्स डे। मैं ये कहता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर की कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा है कि ये दिन मेरे ख्याल में सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर देना चाहिए, क्योंकि सारा साल उन्होंने तरले मिनते कर करके ना तो अपनी जमीर को मार के, सारी इंस्टीट्यूट में नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट में, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर उनके लिए एक दिन तो रख लेना चाहिए ना, उनको कह देना चाहिए टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे।